तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो बस अब हम लोग सिर्फ 48 घंटे दूर रह गए WWE ड्राफ्ट 2020 की नाइट वन के लिए, जो कि हम सभी को 10 अक्टूबर के स्मैकडाउन के शो से दिखाई देगी, जो कि मेरे हिसाब से WWE के अंदर अभी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। जरूर से हम लोग जरूर से देखना चाहेंगे किस तरीके से WWE सुपरस्टार्स का ड्राफ्ट होता है, कौन सी ब्रांड में हमारा फेवरेट सुपरस्टार एंड रेसलर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी सरप्राइज रिटर्न्स के बारे में जो कि हमें दिखाई दे सकती हैं पूरे WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सभी रिटर्न्स के बारे में जो कि नाइट नाइट टू दोनों को कंबाइन मिला के हो सकती हैं। और यहां पर मैं ऐसे कुल 6-7 सुपरस्टार के बारे में बात करूंगा जो कि हमें WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर रिटर्न करते हुए आ सकते हैं नजर। तो मेरे हिसाब से आपको आज की इस वाली लिस्ट को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहां पर मैं सबसे पहले जो रिटर्न रखना चाहूंगा जो कि WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर हो सकती है, ये रिटर्न हो सकती है न्यू डे के ही मेंबर कोफी किंगस्टन की। कोफी किंगस्टन फॉर्मर WWE चैंपियन है, उन्होंने WWE के अंदर काफी सारी टैग टीम चैंपियनशिप को भी हासिल की है। लेकिन मेरे हिसाब से अब फाइनली वक्त आ चुका है जब WWE बिगी एंड कोफी किंगस्टन को अलग अलग ब्रांड्स के अंदर डालते हुए नजर आए। तो ऐसा हो सकता है अगर बिगी हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर जाते हुए नजर आते हैं, WWE उन्हें रॉ के एपिसोड में ड्राफ्ट कर देती है, तो कोफी किंगस्टन का नाम आ सकता है स्मैकडाउन के शो के अंदर अगर कोफी किंगस्टन फिजिकली अपीयर नहीं होते हैं। लेकिन जरूर से WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर कोफी किंगस्टन एंड न्यू डे के दूसरे मेंबर यानी कि बिगी का अलग अलग नाम जरूर से होगा। बाकी ये भी हो सकता है कि स्मैकडाउन के शो के अंदर आप सभी को कोफी किंगस्टन रिटर्न करते हुए नजर आए और अपना रिटर्न मैच भी हमें रेसल करते हुए नजर आए अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के अंदर। तो यहाँ पर दूसरी बड़ी मैं या फिर सरप्राइज रिटर्न रखना चाहूंगा जो कि WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर हो सकती है, ये रिटर्न हो सकती है इस बार लार्ज सुलिवन की। लार्ज सुलिवन को NXT से मेन रोस्टर के अंदर डाला गया लेकिन भाई उनका नामो निशान अचानक से गायब हो गया क्योंकि उन्हें इंजरी का सफर करना पड़ गया था। बीच में थोड़े दिन तक हमें उन्हें मेन रोस्टर के अंदर देखा था लेकिन उसके तुरंत बाद ही मेन रोस्टर से वो एक तरह का गायब ही हो गए थे। लेकिन आपको बता दूं रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने लार्ज सुलिवन को लेकर भी, यहाँ पर ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो WWE की क्रिएटिव टीम है उसके अंदर लार्ज सुलिवन का नाम भी फिलहाल इन्वॉल्व है, जो कि हम सभी के लिए एक काफी बड़ा हिंट है कि लार्ज सुलिवन की भी रिटर्न हो सकती है WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर। अब बस देखने में ये मजा आने वाला है कि WWE ने स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट करती है या फिर रॉ के अंदर ड्राफ्ट करती है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस ब्रांड के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमर रहेंगे, जिस ब्रांड के अंदर डाबो काटा रहेंगे, WWE अगर उस ब्रांड के अंदर लार्ज सुलिवन को ड्राफ्ट करेगी तो जरूर से देखने में मजा आने वाला है जब ब्रॉन स्ट्रोमर लार्ज सुलिवन हमें आमने सामने आते हुए नजर आएंगे। जो यहां पर मैं नेक्स्ट नाम लेने वाला हूं जिसकी सरप्राइज रिटर्न हो सकती है WWE ड्राफ्ट 2020 के शो के अंदर, ये रिटर्न हो सकती है NXT की तरफ से चेल्सिया ग्रीन की। चेल्सिया ग्रीन हमें मेन रोस्टर के अंदर अपना डेब्यू करते हुए नजर आती है, WWE ने रॉ के एपिसोड के अंदर ये बात काफी बार टीज की लेकिन उनको इंजरी पता नहीं किस चीज का सफर करना पड़ गया या फिर WWE ने स्टोर लाइन से ही एक्चुअली में रिमूव कर दिया जिसके कारण चेल्सिया ग्रीन मेन रोस्टर के अंदर ढंग से आ ही नहीं पाई। लेकिन मेरे हिसाब से WWE ड्राफ्ट 2020 वो जगह होने वाले जहां पर चेल्सिया ग्रीन की भी रिटर्न हो सकती है एंड वो हो सकता है स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर ड्राफ्ट हो जाए एंड वो NXT से जब मेन रोस्टर के अंदर आएंगे काफी धमाल एंड कमाल हमें वो स्मैकडाउन या फिर रॉ के शो के अंदर जरूर से करते हुए नजर आ सकती है। अब यहाँ पे जो मैंने एक सुपरस्टार का नाम लेने वाला हूँ, इस सुपरस्टार ने अपने रिटर्न से डिक्लाइन तो कर दे लेकिन मेरे हिसाब से ड्राफ्ट 2020 के अंदर इनके रिटर्न जरूर से हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ WWE की लेजेंडरी सुपरस्टार मेलिना के बारे में। मेलिना ने पहले भी WWE कंपनी के अंदर रेसल किया था, मैं अभी की नहीं मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ जब बटिस्टा ट्रिपल एच एकदम जवान थे एकदम यंग थे। लेकिन अभी फिलहाल जो मेलिना उन्होंने WWE को बीच में क्विट कर दिया था, फिर वो दूसरे प्रमोशंस के अंदर थोड़े दिन काम की थी। लेकिन रिसेंटली ऐसी अपडेट्स आ रही थी सामने कि WWE मेलिना को भी वुमेंस डिवीजन के अंदर फिर से लाने वाली ताकि जो वुमेंस डिवीजन है एक बार फिर से ऊपर आ सके। और ऐसी अपडेट्स आने सामने की जो क्रिएटिव टीम की पूरी लिस्ट है उसके अंदर मेलिना का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर हमें मेलिना भी रिटर्न करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा उन्हें रॉ में ड्राफ्ट किया जाता है या फिर उन्हें स्मैकडाउन के शो के अंदर ड्राफ्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं जो अगला नाम लेने वाला हूँ ये जो नाम आप सभी को जरूर से शॉक कर देगा जो कि WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर रिटर्न कर सकता है। और यहाँ पर मैं नाम ये लेने वाला हूँ मैंडी रोज की फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सोनिया डेविल का। सोनिया डेविल मैंडी रोज से हार गई थी अपना एक मैच जो कि होता है समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर। और इस वाले मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि जो लूजर होगा उसे WWE कंपनी को लीव करना पड़ जाएगा। और आपको पता ही था किस तरीके से उस टाइम सोनिया डेविल का एक इंसिडेंट भी चल रहा था कि भाई उनका एक बड़ा जबरा वाला फैन उनके घर के अंदर किडनैपिंग उनको करने के लिए पहुंच गया था। इसलिए WWE कंपनी सोनिया डेविल को उस वाले पूरे इंसिडेंट से उभरने के लिए कुछ पर्सनल टाइम देना चाहती थी उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा। इसी के चलते WWE ने ये डिसीजन लिया कि समर स्लैम शो के अंदर हम लोग ये वाले स्टिपुलेशन रखेंगे सोनिया डेविल हार जाएगी फिर उन्हें WWE कंपनी से एक लंबा ब्रेक जरूर से मिल जाएगा समर स्लैम से। अब काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया तो मेरे हिसाब से फाइनली
खेलने वो वक्त आ चुका है जब WWE सोनिया डेविल को हमें रिटर्न करवाती हुई नजर है WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर। तो मेरे हिसाब से सोनिया डेविल जरूर से मैंडी रोज के अपोजिट ब्रांड के अंदर जाएंगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WWE मेरे हिसाब से एक बार फिर से मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल के बीच फ्यूड नहीं दिखाना चाहेगी और सोनिया डेविल दूसरे ब्रांड के अंदर जाएंगे जरूर से वो उस ब्रांड की। अब वो चाहे रॉ के अंदर जाएं तो रॉ वुमेन्स टाइटल की तरफ, अगर वो स्मैकडाउन के अंदर जाएं तो स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल की तरफ हमें जरूर से जाती हुई नजर आ सकती है। अब जो मैं नेक्स्ट नाम लेने वाला हूँ जिसकी रिटर्न हो सकती है WWE के इस कमाल के ड्राफ्ट 2020 के अंदर, ये रिटर्न हो सकती है द यस मोमेंट डैनियल ब्रायन की। डैनियल ब्रायन भी WWE से काफी लंबे टाइम से ऑफलाइन है या फिर वो में काफी लंबे टाइम से अनएक्टिव सुपरस्टार है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वक्त आ चुका है जब काफी लंबे टाइम बाद डैनियल ब्रायन की भी रिटर्न होगी ताकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फ्यूड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फ्यूड या फिर प्रोबेबली हो सकता है कि वो रोमन रेंस एज यूनिवर्सल चैंपियन में स्मैकडाउन के अंदर ही रहते हुए नजर आए WWE ड्राफ्ट के अंदर। और ऐसा हो सकता है WWE जो डैनियल ब्रायन को एक बार फिर से स्मैकडाउन के ड्राफ्ट के अंदर पिक कर ले तो डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस के बीच पे एक यूनिवर्सल टाइटल का मैच हो सकता है अगर हेल इन अ सेल पे-पर-व्यू के बाद रोमन रेंस का कोई भी ओपोनेंट नहीं मिलता है। और अगर डैनियल ब्रायन के खिलाफ उन्हें उतारा जाएगा तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस को और भी एक डोमिनेंट हील जरूर से WWE साबित कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से डैनियल ब्रायन की रिटर्न भी हो सकती है WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर, वो WWE के अंदर एक बार फिर से आएंगे और कमाल की अपनी स्टोर लाइन एंड कमाल का एक्शन दिखाएंगे हम सभी को रिंग के अंदर। लेकिन अब जो मैं फाइनल नाम लेने वाला हूं जो कि WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर रिटर्न कर सकते हैं वो WWE सुपरस्टार अभी फिलहाल करंटली काम तो कर रहे WWE के अंदर लेकिन वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो एज ए रेसलर काम नहीं कर रहा। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं द डिस्ट्रॉयर सामोआ जो कि सामोआ जो रॉ के ऊपर कॉमेंट्री करते हैं सुनने में काफी मजा आता है, काफी धड़कती भड़कती उनकी कॉमेंट्री होती है। लेकिन मेरे हिसाब से अब वो वक्त आ चुका है जब सामोआ जो को कॉमेंट्री से उठ के एक बार फिर से रिंग एक्शन के अंदर आ जाना चाहिए। बीच में उन्होंने रिटर्न जरूर से की थी, फैंस उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन एक बार फिर से उन्हें इंजरी होती है और WWE फिर से उन्हें कॉमेंट्री टेबल के ऊपर बैठा देते। लेकिन ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि जो सामोआ जो भी फिलहाल पूरे तरीके से इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, अब WWE एक बार फिर से एक परफेक्ट टाइम ढूंढ रही है जब सामोआ जो की रिटर्न हो सके। तो मेरे हिसाब से WWE ड्राफ्ट के अलावा कौन सा और परफेक्ट टाइम आ सकता है जब WWE सामोआ जो एक बार फिर से हमें इन रिंग एक्शन के अंदर लाती हुई नजर आए एंड WWE ड्राफ्ट 2020 का हमें सामोआ जो भी हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखने में मजा ये आएगा अगर WWE ने स्मैकडाउन के अंदर भेजती है तो किस तरीके से उनकी बुकिंग होती है जब वो स्मैकडाउन के शो के अंदर अपना आतंक मचाते हुए नजर आने वाले। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है सरप्राइज रिटर्न्स वाली बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बना कहीं मत जाना। आप जो मैंने 6 सुपरस्टार्स की लिस्ट बताई है इनमें से कौन से सुपरस्टार को रिटर्न करते हुए देखना चाहोगे WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपने मेरी WWE ड्राफ्ट की 2020 के प्रेडिक्शन वाली वीडियो मिस कर दी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है आप जाकर उसे भी जरूर से इस वाली वीडियो के बाद कर सकते हो चेकआउट। इसके अलावा आप कौन से सुपरस्टार के रिटर्न देखना चाहोगे WWE ड्राफ्ट 2020 के अंदर नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल पर नवे तो कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।